कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरी बार पूछताछ के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस का एक बार फिर सड़कों पर उतरना और हंगामा करना नजर आ रहा है। देश भर में जहां महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के पास कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा कांग्रेस मुख्यालय में जमा हो चुका है। जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश होने वाली है। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर सत्याग्रह की अनुमति नहीं दी है। सोनिया गांधी से पूछताछ के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद संसद के अंदर मोदी सरकार पर राजनीति प्रतिशोध की तरह केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वे पार्टी मुख्यालय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सोमवार शाम कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक भी हुई थी। फिलहाल आज सुबह 8 बजे संसद में पार्टी नेताओं की एक बैठक भी हुई। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद के सटे कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को जमा होने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि संसद सत्र के मद्देनजर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना दफ्तर में इकट्ठा होने और प्रदर्शन की इजाजत नहीं देगी। आज सुबह से ही कांग्रेस महासचिव अजय मांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी करीब 2 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि बीते महीने जून में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे तक पूछताछ चली है, तब भी कांग्रेस ने लगातार 5 दिन प्रदर्शन किया था। जानकारी ये भी है कि आज जब सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी तो उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। अब देखना मजेदार होगा कि इस पूरे प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन किस हद तक पहुंचता है। इसके पल टू पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको देखते रहना है जनसत्ता.com।